ये सुंदरता की प्रतिमूर्ति है हमारी बेटी सीता। इसके बगल में अगर कामदेव की पत्नी रति को बैठा दिया जाए, जिसे सर्वांग सुंदरी कहते हैं, तो हमारी बेटी सीता की सुंदरता के सामने उसकी सुंदरता फीकी प्राप्त पड़ जाती, धनुष तोड़ने वाले को हमारी बेटी सीता प्राप्त हो जाती। लंका का राजा जो विजय प्राप्त नहीं कर पाया, वो विजय बड़ी प्राप्त हो जाती, कीर्ति सारे संसार में फैल जाती। लेकिन कहो काहे यह लाभ न भावा, काहू न सनकर चाप चढ़ावा। शायद किसी को यह लाभ अच्छा नहीं लगा, तभी तो भगवान शंकर के पावन प्रलाप को कोई चढ़ा न सका। मेरी तीन बातें थी, रहू चढ़ाऊ तोरू भाई, चढ़ाओ तोड़ दो, लेकिन तिल भर भूम न सकू छुड़ाई कोई। इसको तिल भर भी भूम न छुड़ा सका कि अब धनु कर्षण की कौन कहे, उठा न उठा अजी गाँव बलवाना के भट दस कंधर से हार गए। सकुचाय के बाण की ओ ये बेटी हमारी कुआरी रही, मन मार के हाय पड़ा रह जाना, प्रण भी ना मेरा पूरा हुआ, प्रण करके आज पड़ा पछतावा। बेटी मैंने कभी तेरे आंखों में आंसू नहीं आने दिए, लेकिन तेरे आंखों में बहती ये अश्रु धारा मेरे हृदय को बदील कर रही है। लाली मैंने भी तो वही कार्य किया जो हर पिता करता है। बेटी जब घर में जन्म लेती है, बड़ी खुशी होती है कि आज हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी पधारी है। उसके अपने बाहों के झूले में झुला करके, छाती पर लटा करके, थपकियां दिखा करके उसे सुलाते हैं। धीरे पाल पोस करके जब वो बड़ी होती है, और जैसी बेटी सियानी होती जाती है, मन में चिंता सवार हो जाती है, चलो अपनी बेटी के लिए हमें योग्य वर तलाश करना है। हर पिता यही करता है, सपने से जोता है कि अपनी लाडली के लिए हम ये दे दे, अपनी लाडली के विवाह में हम ये करेंगे वो करेंगे, सपने देखता है। मैंने भी सपने देखे थे लाडली, मैंने भी सोचा था कि अपनी लाडली के हाथ पीरे करके डोली में बैठा करके विदा करेंगे, लेकिन शायद विधाता हमसे रूठ गया। बेटी विधाता हमसे रूठ गया, मेरे सपने सभी अब झूठे हुए, मेरे सपने सभी अब झूठे हुए, हे अपने।
जानता हूं मैं तुम्हारा अपराधी हूं। तेरी मांग के सिंदूर का अवरोधक मेरा प्रण, अगर मैंने प्रण न किया होता तो आज हमारी ये दशा न होती। कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि पिताजी का प्रण पूरा हुआ नहीं, हमें आजीवन कोहरा रहते हुए पिताजी के महलों में रहना पड़ेगा, पिताजी के लिए भार बन जाऊंगी। नहीं बेटी, अगर ये तेरी सोच है इसको त्याग दे। अरे तू तो मेरे हृदय का टुकड़ा है, तू मेरे लिए भार कैसे हो सकती है। नहीं नहीं लाली, कि मेरी प्रिय लालो मुझे भागिन होती है, पिता को भार नहीं। यदि तू ही जन्मी ना होती तो होता ये संसार नहीं। अगर तू अगर संसार में ना आती तो कहां से किसकी बहन बनती, कहां किसकी पत्नी होती, कैसे बुआ बनती, कैसे चाची दादी मामी, ये सब रिश्ते बेटी ही से तो है। तो ये रिश्ते नाते भी ना होते और होता कोई व्यवहार नहीं, रीति रस में भी ना होती और होता तैयारियां प्रारंभ कर देती है कि मेरे अपने भाई के हाथों में जाकर के राखी बांधूंगी, और भाई भी प्रतीक्षा करता है मेरी प्यारी बहन आकर के मेरे हाथों में राखी बांधेगी। और जब बहन भैया के हाथों में राखी बांधती है उस समय भैया सर पर हाथ धर करके अपने बहना को एक वचन देता है, बहन आज तू मेरे हाथों में राखी बांध रही है, बदले में तुझे उपहार नहीं एक वचन दे रहा हूं कि जब भी मेरी प्यारी लाडली बहना के ऊपर कोई संकट आएगा तो ये तेरा भैया ढाल बन करके उस संकट का सामना करेगा, तेरी ऊपर आंच नहीं आने देगा। उस समय बहन भी भैया का तिलक करके कामना करती है, भैया हे भगवान मेरे भैया भाभी का परमान फलता फूलता रहे, ये होता है भाई बहन का त्योहार। अगर तू न होती तो ये कैसे होता लाडली। ये लोग कहते हैं कि बेटी दूसरे के घर की अमानत है, सत्य है। बेटी पराई होती है, ये सत्य है, लेकिन दुर्दशा कितनी है। हमने जाई तो हमारे लिए बनी पराई, और जब के दूसरे घर में हमने पठाई तो उसके लिए भी पराई, यानी घर में भी पराई पर घर में पराई। अरे विधाता क्यों तूने बेटी बनाई, कि बेटी तो अमानत होती है कि जो लौटाई जाती है, जब बेटी घर से जाती है सयानी हो जाती, उस समय माँ माँ की दूसरी भुजा बन जाती है, वो बेटी की याददाश्त का लाभ माँ उठाती है, कोई चीज भूल जाती है तो आवाज लगाती है कि बिटिया हमने अभी यहाँ पर ये वस्तु रखी थी मिल नहीं रही, अरे माँ ये रखी है लो पकड़ो। माँ को आलस आ गया कि बेटी आज हम भोजन नहीं बनाएंगे, बिटिया तू बना ले, बेटी दौड़ करके भोजन बना देती है। एक माँ का सहारा, जिस समय बेटी घर से जाती है तो मैया की छाती फटती है कि सखियां रोवे सब पिलक पिला, यहां तक कि घर की दीवार रोती है।
जिस समय बेटी की विदा हो जाती है, जब आप घर में आते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हमारे यहाँ लूट हो गई हो, हमारा कीमती सामान हमसे छूट गया हो, हमारी अमूल्य निधि चली गई, तो घर भी सूना सूना लगता है। जब वो बेटी पिता के गले लग कर अरे फपक फपक कर रोती है तो आंखों से आंसू गिरते हैं और खुशी हृदय में होती है। लोग कहते हैं जहां खुशी है वहां गम नहीं, जहां सुख है वहां दुख नहीं, लेकिन ना जब बेटी की विदा होती है उस समय दुख होता है कि आज हमारी बेटी हमें छोड़ करके जा रही। उस सुख ये होता है कि जो हमारे पिता होने का कर्तव्य होता है वो कर्तव्य का निर्वाह करके मैंने अपनी बेटी के हाथ पीले कर दिए, ये सुख होता है, खुशी होती है। लेकिन तेरा पिता ये अभागा हाय न कुछ भी कर पाया कि रोली ना बहुत ललली मैंने भर अंक तुझे न रुला पाया। इसलिए बेटी अब रोने का समय नहीं है, अब तो केवल इतना है कि जो विधाता ने लिख दिया वही होता है। अब तुम जाओ महलों की ओर, मैं अब इन वीरों से इन राजाओं से कुछ बात करना चाहता हूं, शिव कर ले जाओ मेरी बेटी को। हेलो हेलो, और ये अभी चल रहे जनक जी के विलाप करुणामय।